पर यहाँ पे खेली जा रही है बॉल, जिनको कुछ काम धाम नहीं है सिर्फ बॉल के अलावा, टाइम पास नहीं हो रहा है। चीटा मारा, चीटा चीटा खेलो। मार, मैं ला रही घर से। हम तो बॉल ले आए, कैसी ग्रीन कलर की छोटी वाली, बीच पे खूब खेले हम कल परसों गए जब। मारो जोर से, भारतीय एक्सपीरियंस शेयर कर। 9-10 महीना हम काफ जले होते हैं, है? बाय और झेलेंगे। हाँ ये बात सही है, पर यहाँ के बाद जो लाइफ रहे वो बढ़िया रहे बाल एकन के बाद। पर गुस्सा बहुत आवे, नींद पूरी नहीं हो जाओ। हैं क्यों कर रहे, मत कर। और हम लोग आए हुए हैं भारती के यहाँ पे और बैठे हैं बाहर, अभी तो नहीं आएंगे, अभी चलेंगे। ये अदिति पागल, और अदिति कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और थोड़ी देर बाद में जाएंगे हमारे रूम पे, तो वहीं पे बनाएंगे हम लोग बाजरे की रोटी, कड़ी बनाने का प्लान है, देखते हैं क्या होता है। अब देश भैया आ जाएं फिर उनके साथ जाएंगे। और नन्नू और भारती गई है अंदर, ये उनका रूम है, ऊपर रहती है आंटी, और ये पार्क रहती है। देखो मेरी छोटी आज। और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं बाहर ही, क्योंकि अंदर मन नहीं लग रहा है, इनके टीवी भी नहीं है, और दूसरी बात टाइम पास भी नहीं हो रहा, तो हम सोचे बाहर बैठ लेते हैं। यहाँ पे झाड़ू वगैरह निकाला, और देखो आप पेड़ पौधों से टाइम पास कर रहे हैं। देख रहे हो ना आप, वहाँ पे एक घोंसला है, उसमें चिड़िया उड़ जरूर। तो हम लोग टाइम पास के लिए बैठे हैं यहाँ पे, और काफी सारे पेड़ लगा रखे हैं इन्होंने, बैंगन के, मिर्ची के, और उधर की साइड बहुत सारे लगे हुए हैं। ये देखो पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, और इन लोगों ने इतना अच्छा कर रखा है यहाँ पे, बहुत अच्छा वाला आप देख सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे घर जाके, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो जाने का प्लान है घर पे, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या बनाते हैं, उधर ही जाएंगे या यहाँ पे बनेगा खाना, पता लगेगा थोड़ी देर बाद में। हाय। और यहाँ से एक छोटा सा पप्पी हमको देख रहा है, टमक टमक, उसका भी मन कर रहा है हमारे पास आने का, पर वो कैसे आए। नन्नू छोटा बेबी पप्पी, छोटा पप्पी उधर उधर मकान में, वो रहा ऊपर ऊपर, नन्नू वो रहा पप्पी मकान में, हाय। ये रहा छोटा बेबी, मतलब डॉगी है एक, देख रहा है हमको, टपक टपक देख रहा है, टपक टपक। ये बिस्किट बिस्किट खिला रही है दोनों। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं घर पे, और हमने बनाई है चूल्हे पर बाजरे की रोटी, और सभी लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पे, और साथ के साथ बनाई है हमने कड़ी, कड़ी के साथ साथ बनाया है हमने पेठे की सब्जी बनाई है भारती ने, तो वही हम यहाँ पे लेके आ गए थे। अब लोग हम लोग कर रहे हैं खाना एंजॉय, तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए चूल्हे का खाना, किस किस को पसंद है ज़रूर बताना मुझे। अपने साथ बैठे हंसते हुए कुछ कमेंट्स तो कर। मेरा मूड खराब हो रहा है, आप कर लो जो कर लो। तो जाकर सो जाओ, मैं कह रहा हूँ आपसे। आप कहीं गुड़ी सो रहे हैं? खाना खा रहे हैं। आप तो सो 12 बजे तक। और का? आप देखो। मैं थोड़ी देर देखूंगी, फिर मेरे को सोना भी स्कूल के लिए जल्दी। नन्नू नीचे मत, आपको थप्पड़ पड़ जाएगा दीदी अभी।
तुम पागल हो कैसे? कुछ नहीं, तुम पागल है? ते चोटी ने देखा, ते चोटी ने इतनी जोर से बरसात हो रही है, वो तो देखने दे पागल। तो कितनी जोर से हो रही है देख। गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और साथ के साथ हम लोग सुबह मॉर्निंग का टाइम है तो सुबह सुबह चाय पी रहे हैं, बरसात हो रही है मस्त वाली, तो एंजॉय कीजिए आप भी हमारे साथ साथ चाय बना के। और अद्दो अद्दो, आपकी चोटिन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत पतली हो गई है तो कट है आपके बाल, थोड़े थोड़े नीचे से बराबर कर देगा। पहले बता आपकी चोटिन के बारे में क्या कहना चाहते हो, कौन सी मूवी है बिट्टू जेब में बाकी चोटिन न रहे? है तो सही बाकी कादर खान, बाकी अमरीश पुरी की बेटा है भाई बहू की, तो उसकी जैसी चोटिया हो। सुबह कितनी भयंकर बारिश हो रही थी वो तो आपने देख ही लिया, बहुत गर्म मौसम था बट अचानक से सुबह धूप निकली और धूप निकलते ही थोड़ी देर बाद में बरसात होने लग गई थी। हाँ, ये है अगले दिन का वीडियो और शाम को हमने चूल्हे पर रोटी बनाई। अच्छा नन्नू क्या बोल रही है बोलो बोलो, आजकल नन्नू है ना बहुत ज़्यादा बोलने लग गई, बहुत ज़्यादा। तो अभी हाँ, तो शाम को हमने चूल्हे पे रोटी बनाई और लकड़ी वगैरह कम पड़ गई थी, फिर रात के 12 बजे चोरी करने गए अवधेश भाई, चोरी करी अवधेश भाई ने लकड़ी उठा के लाए थे, चोरी नहीं करी मतलब रोड के पास से उठा के लाए थे, टूटा हुआ पड़ा था क्योंकि सारी लकड़ी तो रखी हुई थी पर गीली थी पूरी की पूरी जो भी घर पर रखी। शाम को बहुत मस्ती करी हमने, बाजरे की रोटी, कड़ी, गुड़ और घी के साथ हमने रोटी खाई। कैसी लगी शाम को खाना, कैसा लगा था दीदी आपको? तो शाम को हमने कितना मस्ती करी थी, और भारती के रूम पे गए थे कल हम लोग, तो वहाँ पे हमने बहुत सारी मस्ती करी और बोर हो गए थे पर वहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि टीवी वगैरह नहीं है उनके, इसलिए तो छत पे इतना कचरा फैल गया। और सुबह उठे तो उस टाइम पे हमने क्या किया कि छत धो दी, और जिस दिन हमारी छत धोते हैं उस दिन बरसात जरूर आती है, पर वो कैंसिल हो गया। और शाम को इतना खा लिया था कि बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। अच्छा अच्छा और शाम को इतना बिजी हो गए थे कि बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह का पूरा काम खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट मेरा, और अभी मैंने जा रही हूँ नहाने के लिए, नहीं सुबह करेंगे एक्सरसाइज। और बरसात इतनी भयंकर हुई कि बिल्कुल ठंडा सा मौसम हो गया, बट उमस कर दी वापस, बरसात तो खूब भयंकर वाली हुई थी। और आजकल छोटी छोटी सी बहुत सारी हम रील वीडियो शेयर कर रहे हैं, अगर आप नए हो तो मेरे चैनल पापा से पूछ के, अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, अभी मत पूछना पापा बाथरूम में डांटेंगे। और अगर पहले से आप जुड़े हुए तो प्लीज सपोर्ट करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करें। नहीं मैं बोल दूंगी, तो अभी आप मेरी इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर सकते हो नन्नू मीना 545, उस पर फॉलो कीजिए, आपका सपोर्ट कीजिए। वहाँ पे अदिति और नन्नू दोनों शॉर्ट वीडियोस डालती है, रील डालती है, छोटे छोटे से कॉमेडी वाले वीडियोस डालती है। अगर आपको पसंद आए तो जरूर बताना और सपोर्ट और शेयर जरूर करना, ताकि आपका सपोर्ट हमारे साथ बना रहे, हमेशा मिलता रहे आपका सपोर्ट। और आजकल मेरे से किसी ने बोला है कि आप लोग रेगुलर वीडियो शेयर किया कीजिए, तो मैं कोशिश पूरी करती हूँ, किसी किसी दिन रह जाता है बट अब मैं पक्का रेगुलर ही शेयर किया करूँगी आप लोगों के साथ में। और सुबह उठ के इतने, शाम को इतने सारे बर्तन हो गए थे, भारती धुलवा के गई थी बेचारी। नो नेवर, नहीं, शादी की सारी इतनी सारी एंजॉय किया था, सच्ची बताऊं हमने गांव में इतना कितना एंजॉय किया था दीदी शादी में, बहुत ज्यादा। फिर से मैंने अभी क्या बोला था बेटा आपको, मैंने अभी कुछ बोला था ना कि क्या पापा से जाके पूछो, अभी नहीं तो आजकल स्कूल तो जाते नहीं है आप, तो ऐसे एकदम किया करो फालतू की बकवास किया करो, है ना। आजकल इसके स्कूल भी स्टार्ट हो चुके हैं तो थोड़ा सा बिजी हो जाती हूँ कई बार, तो अब भी नहा के आती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ज़्यादा बड़ा शेयर नहीं करूँगी क्योंकि आजकल ये होता है ना, मैं सूट तो कर लेती हूँ बट मेरे को ना फिर शाम को इतनी जल्दी पूरा काम करते करते दिन भर थकान हो जाती है, तो मेरे को शेयर करने का मन नहीं करता। बट अब मैं रेगुलर रहूँगी और आप लोगों के साथ कॉमेडी वीडियो, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में,
का वो। और आजकल मैंने सोचा है कि मैं जैसे कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि आप अपने हबी के साथ ब्लॉग शेयर किया कीजिए, तो पक्का मैं अब उनको इन्वॉल्व किया करूँगी। आप लोगों को उनसे बोलना पड़ेगा कि भाई आप वीडियो बनाया करो दीदी के साथ में, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग बोलोगे। तो शायद हो सकता है आप लोगों के बोलने से वो मेरे साथ वीडियोस बनाए, मेरी हेल्प करे वीडियोस बनाने में। सपोर्ट तो बहुत करते हैं मुझे, बट मैं चाहती हूँ कि आप उनको बोलो कि वो मेरे साथ बनाए वीडियोस। ये आपके साथ मैं नहा के आती हूँ, उसके बाद मैं अच्छी अच्छी और नए ब्लॉग के साथ मिलूंगी, अच्छी अच्छी बातें करूंगी और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। अभी मैं नहाया आती हूँ पहले, उसके बाद मैं आके बात करूंगी आप लोगों से, क्योंकि लेट हो रहा है और 12 बज चुकी है नेक्स्ट डे की। आप देख सकते हो इतना लेट फ्री हुई हूँ आज, क्योंकि सब बहुत सारा काम हो जाता है ना, आप लोग समझ सकते हो बच्चों के साथ में। बाय।